उसकी रक्षा की और हर हर स्थिति में 100% पेशेंट जी जाए संभव है। ऑब्स्टेटिक में भी कहीं अच्छी नहीं, अचानक बहुत ही सीरियस स्थिति, उस समय कोई भी पेशेंट मर सकता है। और जैकब मैथ्यू जो कोई भी कभी भी निगलेक्टेड है, डॉक्टर से निकल रही है, कोई स्पेशलिस्ट का पैनल डिसाइड करेगा, उसका कभी भी किसी डॉक्टर पे अटेम्प्ट टू मर्डर या होमिसाइड या हत्या का धारा 307-302 नहीं लग सकता है। यदि पुलिस प्रशासन किसी दबाव में या किसी पॉलिटिक्स के दबाव में आके लगाया या बिल्कुल सरासर गलत है, किसी भी डॉक्टर इस तरह की धारा नहीं लग सकती है। इस तरह की धारा लगाकर हमारे सहयोगी डॉक्टर डॉक्टर अर्चना के ऊपर में मानसिक दबाव, मानसिक प्रताड़ना इस हद तक की है कि वो अपने दो प्यारे छोटे बच्चे को लेकर कोई मैडिस डॉक्टर समाज का वो कितनी बड़ी इंटीरियर में रहकर सेवा कर रही है। आप बोलते हैं कि गांव में जाके सेवा करिए, में अच्छा हॉस्पिटल बना के वो सेवा कर रहे थे, लेकिन सबने मिलकर, कुछ लोगों ने मिलकर उनकी जान ले ली और उस पूरे क्षेत्र से एक सेवा करने वाले डॉक्टर का आज ह्रास हो गया। उसके परिवार की स्थिति समझिए। और इस तरह से ये हर प्रशासन और हर तरफ से मानसिक प्रताड़ना एक तरह से हमारे साथ गलत किया गया। कहीं भी नहीं लिखा है कि डॉक्टर ना कर हमारी कलीग डॉक्टर हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिन्होंने एक पेशेंट का डिलीवरी कराया, उसे पीपीएच हुआ जो कि आम बात है डिलीवरी के दरमियान, और उनके ऊपर जो पुलिस है 302 और 307 का धारा लगा दिया, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम डॉक्टरों पे इस तरह का धारा नहीं लगनी चाहिए। रूल्स है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसके अनुसार हम लोग अगर किसी का मर्डर करेंगे तभी मेरे ऊपर वो धारा अप्लाई हो सकता है। अदरवाइज अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट को, उस दरमियान किसी पेशेंट का डेथ होता है, तो इस तरह का धारा नहीं लगनी चाहिए। उन्हें मेंटल ऑर्गनी दिया गया एंड वो सुसाइड कर ली, उसी के अगेंस्ट हम लोग आज कैंडल मार्च कर रहे हैं।